हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से अपने गार्डन के बर्ड हाउस के बारे में बात करने वाली। देखिए, इस तरह से हमारे गार्डन में बहुत सारे बर्ड हाउस बना के हमने ऐड किया हुआ है, जिसमें बर्ड्स आती हैं और रहती हैं, तो उन्हें एक अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा स्वीट होम मिल जाता है। देखिए, इस वाले बर्ड हाउस में छोटा सा बर्ड्स का बच्चा भी है, जो स्पैरो होती है। यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए वायर पे बैठी है। इस स्पैरो ने यहाँ अंडे दिए थे और उसमें अब बच्चे हैं। छोटा सा ही बच्चा है, इसमें आवाज़ भी आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है तो मैं दिखा तो नहीं पाऊँगी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाने की कोशिश करती हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड्स, शायद आपको आवाज़ आई हो। बहुत छोटे से बच्चे होते हैं और वो बाहर वेट करते रहते हैं बिल्कुल दरवाजे के पास आके कि उनकी पेरेंट उनके लिए चारा लेके आएंगे। तो मेरे गार्डन में बहुत सारे बर्ड हाउस हैं, मैं आपको अदर भी दिखाती हूँ। देखिए, एक यहाँ पर है, दूसरा मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए, एक यहाँ पर है, ये वाला भी बर्ड हाउस हमने बनाया है। और उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये लकड़ी का मेरे हस्बैंड ने बनाया था। देखिए कितना प्यारा सा बर्ड हाउस है। ये देखिए, दो मंजिल है, ऊपर भी होल कर दिया था, यहाँ भी डिज़ाइन बनाया है। यहाँ बर्ड्स बैठती हैं और यहाँ पे उनके बच्चे रहते हैं। अंदर बहुत सारा घास वगैरह का उन्होंने घोंसला बना रखा है, सॉफ्ट सा वो लोग घोंसला बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर बर्ड्स आके बैठती हैं, बच्चों को चारा खिलाती हैं। ये देखिए, एक स्पैरो आपको दिख रही होगी, तो ये आई है और बच्चे को चारा खिलाएगी। तो हमने बहुत सारा बर्ड हाउस बना रखा है, ये देख सकते हैं आप लोग, मैं पास से जूम करके दिखा रही हूँ। और ये एक बर्ड हाउस मैंने आपको दिखा दिया, और उसके बाद ये फोर्थ नंबर का बर्ड हाउस ये है। देखिए, घर पे जो सैनिटरी पाइप होती हैं, जो यूज़लेस पाइप पड़ी रहती हैं, उसी को कट करके हमने एक प्यारा सा हाउस बनाया है। बहुत ज़्यादा हाइट पे है तो मैं इसकी क्लीनिंग भी नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा सा डस्ट जमा हुआ है, लेकिन इसमें बर्ड्स आती हैं। देखिए, आपको घास के कुछ तिनके दिख रहे होंगे, इसके अंदर प्यारा सा सॉफ्ट सा घोंसला बनाते हैं, छोटा सा घर बनाते हैं और उसमें अंडे देते हैं, फिर उसमें बच्चे रहते हैं। तो विंटर में तो नहीं, लेकिन हर समर सीज़न में ये प्रोसेस चलता रहता है। ढेर सारी स्पैरो आती हैं, अलग तरह की बर्ड्स भी आती हैं, तो मैं अगर रिकॉर्डिंग उनकी कर पाई तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कई तरह की बर्ड्स आती हैं और इस बर्ड हाउस में रहती हैं और अपने बच्चों को भी पालती हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है और सुबह सब उनकी आवाज़ सुनने को मिलता है तो बहुत प्यारा लगता है। उनके जो बच्चे होते हैं वो भी चूँ चूँ की आवाज़ करते हैं और जो बर्ड्स आती हैं वो भी आवाज़ करती हैं। तो बच्चों के पेरेंट आते हैं दाना लेके, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अपने बच्चों को दाना खिलाती हैं और हमारे घर पर भी चहल पहल सी रहती है, हमेशा उनके दिन भर जो आवाज़ें हैं वो आती रहती हैं। और देखिए फ्रेंड, अभी तक जो मैंने दिखाया वो मेरे घर के फ्रंट पर जो बरांडा है उसमें लगाया था। अब ये देखिए, एक रूम के ऊपर जो रोशनदान है यहाँ पर भी लगा दिया था। एक्चुअली यहाँ पर जो एसी लगा है, इसके अंदर कुछ घोंसले बना दिए थे तो उसे रिमूव करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने एक यहाँ पर भी लगा दिया। एसी के बगल में जो रोशनदान है, यहाँ पर जो फिफ्थ नंबर का घोंसला है, यहाँ पर हमने ये जो बर्ड हाउस है ये लगा दिया है, तो यहाँ भी बर्ड्स रहती थी। मैं आपको पास से दिखाऊँ तो इसमें भी घास के तिनके आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, इसमें भी घास के तिनके हैं, तो इसमें भी बर्ड्स रह चुकी हैं। तो इस तरह से फिफ्थ नंबर का है ये, फाइव बर्ड हाउस हमने बना दिए हैं। तो जो बर्ड्स आती हैं तो उनके लिए हमें कुछ खाने पीने का भी इंतज़ाम करना पड़ता है, तो हम उनके लिए डेली मॉर्निंग में इवनिंग में चावल डालते हैं। दोपहर में तो नहीं आती है, लेकिन मॉर्निंग इवनिंग में हम लोग डेली इनके लिए सालों साल चावल डालते रहते हैं, तो वो उसे खाते हैं। फिर हमें इतनी गर्मी है तो पानी भी दे देते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए फ्रेंड, यहाँ पर बाउंड्री वॉल पे भी हमने चावल डाला है। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर है और टेरिस पे हम ढेर सारा चावल डाल देते हैं, तो मॉर्निंग में इवनिंग में बर्ड्स आती हैं, इसे खाती हैं। साथ में हमने यहाँ बाउंड्री पर पानी का भी इंतज़ाम किया हुआ है। देखिए, दो छोटे से बाउल में हमने पानी रख दिया है, तो इसे पीती हैं, चावल खाती हैं और जो इतने सारे घोंसले दिखाए उसमें रहती हैं। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। तो इस तरह से हमारे गार्डन में कई बर्ड हाउस बने हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, देखिए ये वाला हो गया, और चौथा मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, इस वाले में अभी बर्ड आई है और घोंसला बनाया हुआ है। ये देखिए, इस वाले में बच्चे ऑलरेडी हैं, ये देखिए इसके अंदर बच्चा है, आवाज़ भी आ रही है। फाइनली फ्रेंड, बहुत कोशिश के बाद आप लोगों के लिए मैंने ये जो चिड़िया का बच्चा है उसकी रिकॉर्डिंग कर ली है। ये अंदर ही रहता है, लेकिन देखिए इवनिंग टाइम हो रहा है, 6 o'clock हो रहा है इवनिंग का, तो अब ये बाहर निकल के आया है कि इसके पेरेंट कब आएंगे, उसका वेट कर रहा है, अपने पेरेंट का वेट कर रहा है। तो देखिए, छोटा सा है, बहुत ही छोटा बच्चा है और
दाना खाने के लिए या फिर चारा के लिए बाहर आके बैठा हुआ है। देखिए मैं पास से दिखाने की कोशिश करती हूँ। बहुत मन था मेरा कि मैं जो चिड़िया का बच्चा है घोंसले के अंदर वो आप लोग को दिखा पाऊँ, और देखिए मेरी कोशिश कामयाब हो गई। छोटा सा बच्चा है, इतने ही पास से मैं दिखा पाऊँगी, काफ़ी हाइट पे है। तो देखिए बैठा हुआ है बाहर और वेट कर रहा है अपने पेरेंट का। तो इस तरह से बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको भी अपने गार्डन में प्लांट्स ऐड करने चाहिए, इस तरह से प्लांट्स भी लगाइए। और इसकी जूम को मैं नॉर्मल कर देती हूँ। इस तरह से प्लांट्स भी लगाइए गार्डन में, और कुछ बर्ड हाउस बनाइए जिसमें बर्ड्स आके रह सकें। गर्मी बहुत बढ़ जाती है अप्रैल मई जून में, तो इन्हें रहने का ठिकाना नहीं मिलता, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे बर्ड हाउस बना देते हैं यूज़लेस चीज़ों से, तो वो लोग इसमें रह पाती हैं, थोड़ा सा उनको आराम मिलता है, गर्मी से राहत मिलती है, और इसमें वो अंडे देते हैं और बच्चे उनके जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो ये मेरे बर्ड हाउस है। कुछ फ्रेंड के कमेंट भी आए थे कि आपके जो गार्डन में जितने भी वीडियो बनते हैं उन पे बैकग्राउंड में बर्ड्स की आवाज़ें आती हैं, तो उस पे आप एक वीडियो बनाइएगा। तो बस आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है फ्रेंड, आज मैंने यही कोशिश की कि मैं आपको दिखा पाऊँ, और आगे मैं रिकॉर्डिंग कर पाऊँगी तो कर लूँगी। एक्चुअली जैसे रिकॉर्डिंग करने आते हैं छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं वो डर के भाग जाती हैं, तो बर्ड्स मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन बर्ड हाउस दिखा रही हूँ कि कई बर्ड हाउस मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके बनाए हैं, तो अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। ये देखिए, आप भी ऐसा कोशिश ज़रूर करें, वेस्ट चीज़ों से बर्ड हाउस बना के अपने गार्डन में ऐड करें, और जो बर्ड्स आती हैं वो प्लांट पे भी बैठती हैं तो बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है देखकर। तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, घोंसले में जो बच्चे हैं छोटे छोटे जिसकी मैंने आवाज़ सुनाई थी, उनके जो पेरेंट है वो उनके लिए दाना लेके आए हैं, तो यही प्रोसेस चलता रहता है जब तक जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उड़ने के काबिल नहीं हो जाते। डेली ये दिन में कई बार चारा लेके आती हैं और अपने बच्चों को खिलाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, जो इनके चिरपिंग हैं वो उसको सुनने में अच्छा लगता है। फिर जो बच्चे छोटे छोटे हैं वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो बिल्कुल दरवाजे के बाहर आके वो भी आवाज़ करते हैं, तो छोटे छोटे से बच्चे हैं वो देखने में सुंदर लगते हैं और उनकी आवाज़ें सुनने में बिल्कुल बड़ा सुकून मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारे बर्ड्स हाउस हमने अपने गार्डन में बनाए हैं। हमें यकीन है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने ही गार्डन में कुछ इस तरह से जो यूज़ चीज़ें हैं उसे इकट्ठा करके आप इस तरह के बर्ड हाउस बनाएंगे, और कुछ जो बर्ड्स हैं उनको अपने गार्डन में आसरा देंगे, तो इन्हें कुछ रहने का ठिकाना मिल जाएगा, और आपको भी खुशी होगी कि आपके गार्डन में ढेर सारी बर्ड्स आती हैं। अभी तो मैंने स्पैरो भी दिखाया है, अलग अलग तरह की बहुत सारी बर्ड्स आती हैं। लास्ट ईयर समर सीजन में इतनी सारी बर्ड्स अलग अलग वैरायटी की आई थी कि आपस में फ़ाइट होती थी कि हमें रहना है हमें रहना है, तो कितनी बार बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें करके फाइटिंग करते थे, लड़ते थे, एक दूसरे को भगाते थे कि इस वाले में हम रहेंगे, इस वाले में हम रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखकर बड़ा अच्छा लगता था। तो बस इस तरह से ये आज की वीडियो थी। मुझे यकीन है आप लोग को जो मैंने बर्ड हाउस दिखाया वो पसंद आएंगे, आप भी ऐसे ही बर्ड हाउस बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आज की ये बर्ड हाउस वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़े रहे। मेरे चैनल पर डेली ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होती रहती है जिसे देखकर आपको हर तरह की गार्डनिंग में सपोर्ट मिलेगा। जल्दी किसी नए टॉपिक पे आप लोगों से मिलूंगी, तब तक अपना और अपने गार्डन के सभी प्लांट का ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।